हाय, दिस इज़ वसीम सर फ्रॉम वसीम सर ट्यूटोरियल्स। अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आपको नीट, JEE या CET का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, लेकिन मुमरा में बहुत कम सिलेक्शन हो पाता है क्योंकि स्टूडेंट का जो बेसिक फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा वीक होता है सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का। वसीम सर ट्यूटोरियल्स के फुल कोर्स में पहले आपका बेसिक फाउंडेशन, उसके बाद थियरी और उसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कराए जाएंगे। वसीम सर ट्यूटोरियल्स के डेमो लेक्चर्स के लिए आज ही हमें कॉन्टैक्ट करें दिए गए नंबर पर। शहर की पानी समस्या और बिजली बिलों को लेकर क्या कहा मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने? कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 11 दिसंबर को कौसा खड़ी मशीन रोड के डायमंड हॉल में सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे कलवा मुमरा के विधायक तथा राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने शहर में बिजली आपूर्ति का काम संभालने वाली टोरेंट कंपनी और उसके द्वारा भेजे जाने वाले बिजली बिलों को लेकर बात रखी। साथ ही शहर के कई हिस्सों में आज भी पानी की समस्या बनी हुई है और ये पानी की समस्या खास करके कौसा के अलमास कॉलोनी, शामीन अपार्टमेंट, सैनिक नगर इन इलाकों में जो थी उस पर क्या कहा, देखिए मंत्री जितेंद्र आव्हाड की। के माध्यम से फिर मुमरा को ये भी बताना चाहता हूँ कि आपके दिल में जो बिल के बारे में शंका थी कि बिल बड़ा क्यों आता है, लाइट बिल, तो उसमें आपकी जो MSEDCL में MSEB के टाइम जो आपने जो पेंडिंग बिल रखा था वो ऐड होके आता था टोरेंट में, इसलिए आपको लगता था कि टोरेंट का बिल बड़ा है। हमने टोरेंट को बहुत डराया है, धमकाया है, अब हमने मंत्रालय में भी कंप्लेंट की है, अब जाके टोरेंट का बिल अलग आएगा और MSEDCL का बिल अलग आएगा, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि MSEDCL का कितना पेंडिंग है और टोरेंट का बिल क्या है। सर, बीच में ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी से आपने एक मीटिंग तय की थी 24 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश शायद नहीं हुई, तो वो मीटिंग के मुद्दे क्या थे और आगे वो मीटिंग कब होगी सर टोरेंट के संबंध में? यही कई मुद्दे थे कि टोरेंट के, अभी ऐसा है कि कुछ लोग बोलते कि टोरेंट के मीटर फास्ट है, टोरेंट मीटर नहीं देगा। इसके बाद आपको जो कंपनी चाहिए उस कंपनी का मीटर आप सिलेक्ट कर लीजिए। 6 कंपनी हमने MSEDCL से लिए, MERC से लिए, आपको ये चयन करने का अधिकार रहेगा कि हमको ये मीटर चाहिए। आपको टोरेंट ये नहीं बता सकती कि ये मीटर लगाओ। सर, टोरेंट के मुद्दे पे आवाम की मांग है कि आव्हाड साहब हमसे मुखातिब हो और आम आदमियों से जो है रूबरू संवाद कायम करें, कब तक हो पाएगा? मैं हरदम मुमरा में आते रहता हूँ, कोई मुमरा में एक महीने में एक बार, जो और मंत्री करते हैं और आमदार करते हैं कि महीने में एक बार आवाम से मिलते हैं, मैं तो आते जाते ही रहता हूँ। आप कुछ कभी भी मुझे पकड़ ले सकते हैं, मेरे मुझे क्या, यानी रूबरू होने के लिए आदमी जब कम आता है तब रूबरू होता है ना। आप मुझे कभी भी किसी भी गली मोहल्ले में पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। दूसरी चीज़, अलमास में सैनिक नगर तक बड़े दिनों से पानी की समस्या थी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि अब एक भी बिल्डिंग अलमास की ऐसी नहीं है जिसको पानी नहीं मिलता है। यही बात गांवदेवी में होगी, जो सम्प और पंप हमने शुरू किए थे, चांद नगर का पानी का मसला ख़त्म हुआ, अमीनाबाद का पानी का मसला ख़त्म हुआ, MM वैली का पानी का मसला ख़त्म हुआ, सुकून हाइट्स का हुआ, ग्रेस का हुआ। अब दो इलाके हैं, एक सुमति देवी स्कूल है, उसके आजू बाजू का एरिया वो 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। गांवदेवी में जहां पानी बेचा जाता है वह मुद्दा और 10 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, सबके घर में पानी जाएगा। सर, फिर भी बीच में लीकेज की बहुत बड़ी पानी आपूर्ति की लाइन की समस्या थी, नगर सिरी का फरजाना शाकिर से और ये हमारी मर्जिया, दोनों ने मनपा आयुक्त कार्यालय के बाहर आंदोलन किया। देखो, ऐसा है कि रिमॉडलिंग की योजना और जोर से स्पीड से करनी पड़ेगी, पर कोविड के कारण
जो बिल उनको मिलना चाहिए वो बिल नहीं मिला है, और महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति, खीसे में पैसा नहीं है, तो थोड़ा सा सब्र से लेना पड़ेगा, तिजोरी खाली है, कहाँ से आएगा? जब आपके ही खीसे में पैसा नहीं तो महानगर पालिका को कहाँ से पैसा मिलेगा?